जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी का एग्जाम, जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम दिए हैं मैथमेटिक्स का, आप सबों का एग्जाम कैसा रहा और जो भी आपने इस चैनल के माध्यम से सीखा है या जो आपने फील किया है, जो आपको लगा है, ठीक है ना, कि हमने आपको कितना दे पाया है या फिर इस चैनल के माध्यम से आपने कितना सीखा है, कितना बेहतरीन कंटेंट हमने आपको उपलब्ध करा पाया है, ठीक है, कितना बेहतरीन तैयारी हमने आपको करा पाया है, ठीक है ना, और कितना क्वेश्चन जो है हम आपको करा पाए हैं और ऐसे कितने टाइप क्वेश्चन आपको दे पाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है सीधे सीधे आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस पर जो है आप लोग एक छोटा सा रिएक्शन अपने अपने फ़ोन में शूट करना है, एक छोटा सा रिएक्शन, ठीक है, आपको अपने फ़ोन में एक छोटा सा रिएक्शन देना है। मान लीजिए कि 2 सेकंड का हो कि इस चैनल के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आपने जो मैथ्स गुरु मनीष चैनल पर पढ़ाई किया है, ठीक है, उसके बारे में आपको क्या कहना है, ठीक है, उनका कंटेंट कैसा है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के हित में क्लास चलता है या नहीं चलता है, ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट कैसा उनका है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव किस तरीके से वो पढ़ाते हैं और उनके द्वारा जो पढ़ाया गया कंटेंट है वो एग्ज़ाम में आता है या नहीं आता है, ठीक है। ऐसे जानकारी के लिए आपको तो मालूम ही है कि एग्ज़ाम के सुबह में जो हम आप लोग के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए थे, एग्जाम के दिन सुबह में जो आप लोग के लिए हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे, ठीक है, वो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। और जो 5 अंक वाला हमने ग्राफ आपको पढ़ाया था, चाहे वो 2022 में हो या 2023 में हो, सेम वही ग्राफ पूछा गया था, सेम डिजिट, कोई उसमें परिवर्तन नहीं था। तीसरी कि हमने एक और 5 अंक वाले क्वेश्चन के बारे में आपसे कहा था कि लॉग साइन एक्स या फिर लॉग कॉस एक्स, सीमा का मान 0 से π/2, लॉग साइन एक्स या फिर लॉग कॉस एक्स वाला सवाल आपसे पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो पूछा गया था आपसे, ठीक है ना। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो हम कह रहे हैं वही सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, लेकिन हाँ हम आपसे बार बार ये कहे हैं कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक ना, जिस टाइप का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, सवाल इससे अलग आपसे नहीं पूछा जाएगा और वैसा ही हुआ है, ठीक है, और अक्सर ऐसा होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये हम आपको बता दें कि हम कुल मिलाकर 11 साल से जो है इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 11 साल हो गया हमें इस क्षेत्र में काम करते हुए। तो जो लोग एक ही काम को कर रहे हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चन का टाइप क्या होने वाला है, कहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो जानकारी होगी 12th वाले बच्चों के लिए। अब 10 वाले बच्चों के लिए एक विशेष जानकारी हम आप सबों को देना चाहेंगे, जो भी आपके छोटे भाई बहन क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमारा एक प्लान है उन लोगों के लिए, ठीक है, प्लान ये है कि जो 2023 में एग्जाम वो देना चाह रहे हैं, ठीक ना, 2023 में जो उनका एग्जाम होगा उसके लिए जो है, अब आप मतलब 14 से उनका एग्जाम है तो उनके पास, आज 2 तारीख है तो उनके पास 12 दिन बच गए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, उनके पास कुल मिलाकर 12 दिन बचे हैं अभी, ठीक है, कुल 12 दिन अभी बच गए हैं। और हमारा प्लान है कि इस 12 दिन में उनके मैथमेटिक्स को किस तरीके से मजबूत कर दिया जाए, किस तरीके से उन्हें तैयार कर लिया जाए कि वो भी जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन को गर्दा उड़ाया है बोर्ड एग्जाम में जाकर, ठीक है ना, हाँ, जिस लेवल से आप लोग की तैयारी हमने करा दिया है, हमारा ये प्रयास होगा कि आपके छोटे भाई या बहन को भी उसी लेवल की तैयारी हो जाए और उसके लिए हमें ज़्यादा दिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही हमारे पास फालतू का टाइम है और ना ही आपके पास या आपके छोटे भाई बहन के पास फालतू का वक्त है। ये 12 दिन में हमारा प्रयास होगा कि जो भी बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है ना, 90+ हमारा टारगेट है, 95+ हमारा टारगेट है, 95+, और ऑब्जेक्टिव में तो 50 में 50 एकदम गारंटी लेंगे ताल ठोक कर, ठीक है ना, कि जिस लेवल का क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना, उससे अलग सवाल नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और इस बात का भरोसा अब आपको हो ही गया होगा, ठीक है ना, जब आप एग्जाम दे लिए होंगे, क्योंकि जब तक आदमी एक ये नेचर है कि जब तक आप उसको अपने ऊपर फील नहीं कीजिएगा आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप फील कर लिए हैं तो आपको यकीन हो गया होगा कि अब जो है जो हम जिस लेवल का लेकर चलेंगे
सवाल उससे अलग नहीं होने वाला है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसलिए आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं उन्हें आप इस बात की जानकारी दे दें कि क्लास अब शुरू होने वाला है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, और एकदम जोरदार तरीके से 12 दिन में मिशन 95 केवल मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, सभी सब्जेक्ट की नहीं, ओनली मैथमेटिक्स हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है। मिशन 95 जो होगा वो अब हम लेकर आ रहे हैं, 12 दिन में 95 प्लस कैसे करना है और इसके लिए क्या एफर्ट लगाना होगा, कैसे पढ़ना होगा, किस तरीके से तैयारी करना है, ये सारी जिम्मेवारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने छोटे भाई बहन तक ये जानकारी पहुंचाना है। आपके जो भी बच्चे हैं आसपास क्लास 10 में इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे उन सबों तक ये जानकारी पहुंचाना है। इसके बाद पूरी जिम्मेवारी हम लेते हैं कि इसके आगे कैसे उन्हें तैयार करना है, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना है, ठीक है। और ये क्लास जो है आपका हर रोज रात में होगा, लाइव क्लास 2 से 3 घंटे का हो सकता है। क्लास का टाइमिंग भी हम आपको बता देते हैं कि 8 बजे से लेकर 8 PM, ठीक है, 8 से लेकर ये क्लास 10 तक भी चल सकता है, 11 तक भी चल सकता है, ठीक है ना। लेकिन शुरुआत होगा इसका 8 बजे से रात में, ठीक है। तो आप सभी जो भी लोग क्लास 10 में इस बार एग्जाम देंगे उन सबको जो है एक बार इसमें जुड़ने की जरूरत है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बस आपको जो है एक बेहतर मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप मेहनत करेंगे हमारे साथ तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, हम आपके लिए तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आपको एक बार जो है तैयार होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप सभी दोस्तों तक शेयर करें, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और हाँ, ये क्लास आज 2 तारीख है ना, ठीक है, हो सकता है तो ये क्लास आज से ही शुरू हो, ठीक है। हाँ, ये क्लास की शुरुआत हम आज से ही कर दें आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग जो है तैयार रहेंगे आज ही रात 8 बजे से, ठीक है। हम लोग क्लास लेकर आ रहे हैं और एक धमाकेदार शुरुआत करेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। बस आपको एक छोटा सा वादा करना है कि हमारे साथ बने रहना है, बस 2 से 3 घंटा आपको हमारे साथ देना है, ठीक है। उसके अलावा आप यदि घर पर ना भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप उसकी रिवीजन ना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 2 से 3 घंटे जो है 8 से 10 का जो टाइमिंग हमने लिया है बस ये 2 घंटा आपको देना है हमारे साथ, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने का हम वो कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और ऐसा बोर्ड एग्जाम 2023 में जो भी क्लास 12th में बच्चे एग्जाम दिए हैं, कई स्टूडेंट ने ऐसा किया है, कई क्या लगभग स्टूडेंट ने 12 से 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगा है और 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर लिए हैं, ठीक है। और आपके अंदर भी ये आसानी से इनर्जी आ जाएगा, आपके अंदर भी ये टैलेंट आ जाएगा कि आप 15 से 20 मिनट में ही 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। बाद बाकी आप सब्जेक्टिव के लिए टाइम दीजिए आसानी से, ठीक है, और पूरा का पूरा जो है अंक आप गणित में ला सकते हैं आसानी से, ठीक है बाबू। आशा करते हैं कि सभी लोगों को जानकारी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाद बाकी आपके फिजिक्स का एग्जाम कैसा गया, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए उनका फिजिक्स का एग्जाम कैसा गया वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना, कि आपके फिजिक्स का एग्जाम कैसा गया, ठीक है। मिलते हैं आज ही रात 8 बजे, आप सभी भाइयों और बहनों, छोटे छोटे भाई बहन जो भी आपके हैं उन सबों से एक बार आप सबको जो है उन्हें जानकारी देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।